YouTube चैनल। तो जी गाइज, आज है जुम्मा, हम जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब तक के लिए स्टेट अब आपके मुंह पे डाल दे। हाँ दिखाओ। ये क्या बना दिया? दिखाओ, सेम दिखाओ। नहीं नहीं इधर देखो, ये देखो सेम मिल रहे, ये देखे ये मिल रहे। और हम तो, और ये जो है स्लाइम की बनाई है वैसे अनमता, गुड ट्राई, आप अच्छी बना सकते हो। अब इससे बंदर बना के दिखाओ। हाँ, इसे फोकस क्यों नहीं हो रहा? यहाँ होगा, ये देखिए अनमता, और ये सेम लग रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बंदर बना के दिखाओ। ये आपका बंदर सामने तो जाओ, बंदर बन गया आपका, दिखाओ। ये क्या बना दिया? ये क्या है? नहीं, अपनी दोस्त बना दी जन्नत। अनमता की जो दोस्त है ना जन्नत, वो बना दिया अनमता ने। सेम सेम हो गया अनमता। वाह भाई वाह, वाह वही वाह। गाइस अनमता ने स्लाइम से बनाया है, अनमता ने बनाया स्लाइम से मेरा फेस। आओ दिखाओ, आओ ये हम बनाया, ये आनी का, ये मेरे में कहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है थोड़े। वाओ, यू आर वेरी आर्ट अनमता, अब मैं तो आर्ट भरा पड़ा। मैंने ऑन भी कर दिया। तो जी गाइस, हम नहा लिए भी है अनमता से, मेरी अनमता आ गई है, जिनके बगैर मेरा दिन अधूरा और उनके बगैर उनका, मेरे बगैर उनका दिन अधूरा है। अब हम जा रहे हैं बाहर, बाहर सामान वगैरह लेते हैं। क्या सामान है वो हम आगे चल के ही बताएंगे, नमाज वगैरह, नाश्ता वगैरह, सब नाश्ता वगैरह सब हो गया था। अब हम चलते हैं तैयार होकर, फिर रेडी हो गई, अब चलते हैं। इसमें आप 50 रुपये और 10 रुपये मिलाओगी ना, फिर आ जाएगा पूरा पैसे। हाँ हाँ, गिर जाओगे मम्मा, मैं तेरे मम्मा को हिसाब देकर आओ, जाओ जाओ पहले मम्मा से पूछ कर आओ। मुसुबा, हाय, मेरे साथ मुसुबा जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं रोड पे पार्क, वो पार्क हिफ्जा पार्क, आराम से मुसुबा, हम नीचे देख के चलें, चलें आप आगे चलें, ये हमारी मस्जिद भी है। चलिए मैं आई हूँ जी, हमारी जगह पे अपनी तो है पार्टी। हाँ, एक तो मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ इतने डॉग्स हैं, इतनी बिल्लियाँ, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है एनिमल हाउस में आ गई है, एनिमल कॉलोनी में आ गई मैं, हर दे पी लेंगे चीज़ वहाँ से। चलो जी, हाँ पागल, ओ चलो जी। तो जी गाइस, मतलब मैं आ गई हूँ बाहर से, पालकी वगैरह से होकर, अब हम देखेंगे कि लाइट आती है तो हम क्या करेंगे। और मैं जिस काम के लिए गई थी, मतलब मैं गई थी एक पालकी जहाँ मैंने ऑर्डर दिया हो, तो वो तो मुझे चीज़ रिसीव हो गई, बट मैं जो दूसरी चीज़ लेने गई थी, मतलब हमारे यहाँ ही साबुदीन, मैं पता नहीं लाइट गई हुई तो आप इग्नोर करिएगा, इसलिए मैं थोड़ी डल आ रही हूँ। तो मैं छत पे आ गई थी, शाम हो रही थी, शाम में ही मैं वापसी आई, तो मैं छत पे ही आ गई, उसके साथ ही आई हूँ। और मैंने जस्ट अबाया उतारा है, और अबाया उतारने के बाद मैंने सोचा कि लाइट जब आएगी मैं जब सब चीज़ें आपको दिखाऊँगी। और बचका मेरे साथ हो गया। अब आप पूछेंगे कि बचका क्या हुआ? बचका मेरा ये हुआ कि मैं गई थी वहाँ
एक तो मैं पालकी गई थी, अब आप पालकी से मैंने ऑर्डर किया था, आई मेरे पास ओरिजिनल चीज़ें, बट किसी के आप थ्रू लो, मैं अक्सर चीज़ें उनसे लेती रहती हूँ, तो मुझे इसलिए पूरी सेटिस्फाई हूँ कि मैं मुझे चीज़ ओरिजिनल मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी। मैं चलते हुए बात कर, शाम तो हो रही है इसलिए मैं छत पर आ गई। छत पर आती ही मैंने बोला कि मैं आपको छत पर आकर बताती हूँ कि क्या सीन है, और मेरा हाथ दुख रहा है। लाइट तो है नहीं घर में, तो लाइट आ जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ लेने गई थी, क्या चीज़ नहीं लेने गई थी। और जी मेरे साथ बचका हो गया, बचका ये हुआ कि एक मैं दूर जाऊँ, बाजार जाऊँ, ये टाइम मेरे पास है नहीं, इस वजह से मैंने उन्हीं को ऑर्डर दिया और आ भी गया। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी जब लाइट आएगी तब। अभी मैं अभी सुबह आए हुए उसको देते हैं फ्रूट वगैरह और चीज़ भी लाया, वो चीज़ खाएंगे और मैं फ्रूट वगैरह खाऊंगी और उनको भी दूंगी, ऑरेंज वगैरह, आपको बताए सर्दियों का फेवरेट। और जी पचका ये हुआ कि मतलब मैं गई थी एक वहाँ ऑर्डर जहाँ मैंने दिया था पालकी सामान रिसीव करने, देन में दूसरी जगह जाना था मुझे शाहबुद्दीन, वहाँ से आपको पता है चटर मुटर चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई और ना स्नैक्स वगैरह हो गए, जैम वगैरह, नोटेला सब मिल जाता है। तो मैं जी वो चीज़ें लेने गई थी, बट मुझे नहीं पता था कि जुम्मे को बंद होती है वो मार्केट, और वो बंद थी। तो इतना बुरा पचका मेरे साथ और इतना बस गुस्सा आ रहा था मुझे। खैर चलें जी, अब मिलते हैं जब लाइट आती है तब, ठीक है? जब तक स्ट्रेट यू जी। पाँव में पहनो, सर्दी हो रही है, पाँव से क्यों उतार रहे हो? कौन लाया ये चप्पल? पापा लाए। ये देखिए इन किन्नू भी खा रहे हैं, इन्होंने अभी अनार भी खाए है ना। चलो जी जाओ, भाग जाओ, अब ये जा रहे हैं अपने घर। चले जाओ, नीचे देख के जाना, गिरना नहीं, ठीक है? आराम से जाना, साइडों पे से जाओ। साइड कहते हैं इसको, चलो कोने में से ही चले जाओ। अच्छा सही है, कोने से चले जाओ। अच्छा चले जाओ, कोने पे से, कॉर्नर पे से चले जाओ बस। कॉर्नर इनको क्या पता क्या होता है। अच्छा ट्यूशन वाली, अच्छा चलो सही है, सही है, सही है। तो जी गाइस मैं आ गई हूँ, लाइट भी लाइट आ गई है, और मैं कह रही थी लाइट जब आएगी मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो जी गाइस वो ये चीज़ है कि मैं नर्स का देखे मैंने अभी अभी निकाल के भी रखा है। मैं नर्स का क्रीम ब्लशन लेने गई थी क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं रिसीव करने गई हुई थी वहाँ से। तो अब ये है कि से मैं आ गई हूँ ये लेने गई थी, जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे ये लेना है, बट मैंने नहीं लिया था, अब ले लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो इसी गाइस ये था जो मैं लेने गई थी, और मैं शाहबुद्दीन ही कहती थी उस मार्केट को, वहाँ से सामान वगैरह हमें मिल जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई और घर का सोडा सरफ मिल जाता है। मतलब जाती हूँ मैं चटर पटर और खाने पीने की चीज़ें, असल में तो जाते हैं हम इसलिए चटर पटर लेने, बाकी सारा सामान तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में होता है और आ ही जाते हैं, ख़त्म होता है तो वो मेरे अब्बू लेकर आ जाते हैं, बट ये जो चीज़ें ना फालतू, ये सिर्फ हम ही लेकर आ सकते हैं जाकर। तो इसलिए गई थी और ये लेने गई थी मैं, जो मैंने आपको दिखा दिया, तो इसके मैं बात कर रही थी। तो जी गाइस ये देखते हैं, अब देखते हैं खाना वगैरह क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, उसके बाद क्या होगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक के लिए स्टे ट्यून। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं रात को, मैंने उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा, और अभी मैं नेक्स्ट डे हो गई और अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार क्योंकि मेरी दोस्त की शॉपिंग है, तो इस वजह से थोड़े कपड़े छपड़े ले लेते हैं उसके लिए मैं जा रही हूँ तारिक रोड। तो तारिक रोड अगर हुआ तो कुछ दिखा दूँगी, नहीं हुआ तो हम घर आ जाएंगे फिर दोबारा वैसे के ही। और सामने भी काम हो रहा है, मशीन ठीक हो रही है हमारे नीचे वालों की। तो जी गाइस फिर देखते हैं अब हम
चलते हैं नीचे, नीचे चलकर रेडी शेडी होते हैं, फिर चलते हैं हम तारक रोड के साथ। रात वाले व्लॉग को मैंने एंड नहीं करा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया। और आप बताइएगा आपको मेरी चीज़ कैसी लगी कैसी नहीं लगी। वो यहाँ कॉपी तो मिल जाती है बट ओरिजिनल मिलना मुश्किल है, तो मैंने ओरिजिनल के चक्कर में मंगवाई हुई थी। ऑर्डर दिया हुआ था, सब दिया हुआ था, वो बहुत टाइम बाद आई, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सपना पूरा हो गया। तो चलें चलते हैं, रेडी होते हैं बाजार से। तो जी गाइस, फिर हम निकल गए थे घर से, और जी हम थे रास्ते में, हम जाए थे तारक रोड क्योंकि मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे और कुछ पर्स वगैरह लेने थे, क्लचेस वगैरह लेने थे, तो इस वजह से मैं गई। फिर वहाँ मुझे ये स्टॉल दिखा, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मतलब 2 पीस मिल रहे थे, 3 पीस भी थे, और क्या कहते हैं अच्छी थी, मतलब 2 पीस बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि बंदा आम नॉर्मल डेज़ में वेयर कर सकता है ये वाले कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े थे। तो जी इनकी प्राइस थी आई थिंक 1500 से 2000 तक थे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। तो आप लोग जब जाइएगा तो फिर वो आपको वैसे ही पता लगेगा कि मतलब कितने प्राइस हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ये देखें ये कितना प्यारा प्रिंट था, तो मैंने उनको बोला आप ही दिखा दें, क्योंकि मैं बाहर की व्लॉगिंग इतनी मतलब करती नहीं हूँ, तो मुझे मतलब आइडिया नहीं है इतना कि कपड़े कैसे दिखाने कैसे नहीं, तो मैंने बोला आप ही दिखा दें। तो वो दिखा रहे थे ये, आप जब इंटर होंगे तारक रोड पे एतमाद बैंक के उसके सामने ही ये मतलब इनके ये शॉप बोल रहे हैं क्या जो कहेंगे कह लें, वहाँ ये लगे हुए थे, तो बहुत अच्छा था ये। मैं दिखा रही हूँ आपको लोकेशन, और आप लोग भी जाएँ लें। और ये आ गया, ये पिंक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब मैं साथ साथ बोल रही थी कि आप दिखाते भी रहें। फिर जी हम यहाँ क्लचेस की साइट आ गए, तो जी ये 1000 में सेल चल रही थी ये वाली बड़े वाले जो क्लचेस हैं उसकी, और जो ये नीचे जो थे ये साइड क्लच थे ये 1500 के थे, वो 1000 के थे, और ये जो नीचे थे ये 700-800 तक के थे। आप लोग बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको कम रेट कर देंगे 700-800 के, बट अगर हम ये लोकल मार्केट से लेते हैं तो ये आपको सस्ते मिलेंगे बनिस्बत यहाँ के प्राइस में, क्योंकि ये आपको पता है तारक रोड है यहाँ प्राइजेस ज़्यादा हैं। फिर जी आ गए हम ये शर्ट्स, मतलब फिर जी हम आ गए ये शॉर्ट्स कुर्तियों की साइड, कुर्तियाँ कह लें शर्टें कह लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब रीजनेबल प्राइस में दे रहे थे शर्ट्स, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे थे। ये आई थिंक 1000 की 3 दे रहे थे, अगर आप बार्गेनिंग करें तो वो कर लें, बट ये फिक्स रेट थे मेरे ख्याल से, ये 1000 की 3 दे रहे थे। आप लोग का बार्गेनिंग का वैसे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इस शॉप पे, स्टॉल पे कह लें कि इस पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 1000 की 3 ही मिल रही थी, तो सही है रीजनेबल प्राइस है। फिर जी हम जा रहे थे घर की साइड, बहुत देर हो गई थी, जो सामान लेना था हमने ले लिया था, और ये हम थे रास्ते में। जी गाइस, एक ये शर्ट है, वो मैं बाकी सब मैं नहीं दिखा सकती, बस मैंने सोचा कि मैं ये दिखा दूँ आपको।